राजा ने कहा ऐसा समय आने वाला है तो तुम्हारा तो मर जाना ही अच्छा है। कलयुग कहे मुझ में लाख अवगुण है पर एक ऐसा गुण है जो किसी युग में नहीं था। कैसा गुण? बाकी के युगों में भगवान को प्राप्त करने के लिए तपस्या करनी पड़ती थी, वर्षों तपस्या करनी पड़ती थी, लेकिन कलयुग में, कलयुग केवल नाम आधारा, यानी कलयुग में केवल भगवान का नाम लेने से, नाम जप करने से भगवान की प्राप्ति हो जाती है, कल्याण हो जाता है। कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकते। अब वो कहे सारा तो आपका ही राज्य है, कहाँ जाऊं मैं? बोले वहां जाओ जहां मदिरा पान होता है, जहां चोरी डकैती होती है, जहां नशा इत्यादि किया जाता है। अब कलयुग मन में कहे कि ये सारे प्लॉट तो मैंने पहले से ही बुक करके रखे हैं। फिर वो कहे काम करिए, एक स्थान मुझे मेरे मन मुताबिक दीजिए। कौन सा स्थान? मुझे स्वर्ण में स्थान चाहिए। किसमें? सोने में। ठीक है, लेकिन राजा कहते हैं कि ये कुछ जगहों के अलावा, मतलब सोने में और मदिरा पान इत्यादि जो बातें उन्होंने कही, इनके अलावा तुम 5000 वर्षों तक अपना असर नहीं दिखाओगे। ठीक है, राजा भूल गए। राजा ने खुद ने सोने का मुकुट पहनकर रखा था, कलयुग प्रवेश कर गया। अब वो यहाँ शिकार खेलते हैं, भटक जाते हैं, उन्हें प्यास लग रही है, कुटिया दिखती है, कुटिया के अंदर जाते एक तपस्या, ऋषि तपस्या कर रहे हैं। अब तपस्या में है तो वो लीन है, उनको नहीं पता कौन आया कौन गया कौन क्या कह रहा है। तो दो तीन बार तो राजा ने कहा कि मुझे प्यास लगी है, जल दीजिए जल दीजिए। अब उनको तो सुनाई नहीं दे रहा, वो तप में है। नीचे एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, उन्होंने वो सांप उठाया और ऋषि के गले में डाल दिया, चले गए वहां से। लेकिन ये दृश्य ऋषि के किसी शिष्य ने देखा, वो उनके पुत्र से जाकर कहता है कि ऐसा ऐसा हुआ था, दिखने में कोई राजा सा लग रहा था पर पता नहीं कौन था। पुत्र ने बिना सोचे बिना समझे बिना जाने वहीं खड़े खड़े कह दिया, जिसने भी हरकत की है अगले 7 दिनों में तक्षक नाग के डसने पर उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब पिता तब से उठते हैं, उसने अपने पिता को बताया ये सोचकर कि वो बड़े प्रसन्न होंगे। उन्होंने कहा देखता हूं पहले श्राप मिला किसे है। नेत्र बंद करते हैं, राजा परीक्षित का चेहरा सामने आता है। अरे वो कहते हैं इसे क्यों श्राप दिया, ये बहुत अच्छा व्यक्ति है, इसने अगर ऐसी कोई हरकत की है इसका मतलब कुछ गलत हुआ है, वरना ये ऐसी हरकत कभी कर नहीं सकता। लेकिन श्राप तो दे दिया, कुछ कर नहीं सकते, लेकिन सबसे पहली चीज उनको बताए तो सरी कि उनको श्राप मिला है। राजा से जाकर कहा जाता है, तब तक उन्होंने मुकुट उतार दिया था क्योंकि घर पहुंच गए थे, आराम कर रहे थे, उतार दिया तो उनको बड़ा बुरा लगता है। उन्होंने उसी वक्त अपना राज्य छोड़ दिया, वन की ओर चले गए। वहां पर सुखदेव जी आते हैं, बाकी ऋषि भी खड़े थे, उन्होंने सोचा मानो भगवान ने ही सुखदेव जी को भेजा है। सभी ऋषियों ने सुखदेव जी से प्रार्थना की कि आप इनको श्रीमद् भागवत कथा सुनाइए, सप्ता परायण, 7 दिनों की कथा, क्योंकि 7 दिन में मृत्यु होने वाली है। तो उन्होंने सोचा मृत्यु हो भी लेकिन जाए भगवान के धाम। सुखदेव जी मान जाते हैं,